हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 13 तारीख है, सातवां महीना 2023, और 2:28 हो रहे हैं। तो भाई कल थी न्यूज़, यूएसडी की, कैट की, अगेन क्रूड ऑयल की भी थी, यूएसडी की काफ़ी न्यूज़ थी और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी थी सीपीआई की, जिसका जो डेटा है वो नेगेटिव आया। यूएस डॉलर गिरा और यूरो और इसके साथ जितने भी बेस करेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ शूट कर गए। ठीक है, हमारी ये ट्रेड रह गई, बहुत अच्छी ट्रेड होती है अगर मार्केट इस यहाँ तक भी आ जाती है हमारी, ये बड़ी अच्छी ट्रेड यहाँ पे हमारी बन सकती थी जी। वे यूएसडी की हमारी थोड़ी सी बस जो है वो ट्रेड रह गई यहाँ पर, ये अगर नीचे आती है तो ये भी हमारी ट्रेड हिट हो जाती। इवन इसे ऊपर वाले एरिया में भी मार्केट पूरा फिल करके नहीं गई, अदरवाइज हमारी जो गोल्ड की ट्रेड है ये मार्केट ने बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दी, क्योंकि जाहिर है कोई कन्फर्मेशन यहाँ पे तो मिली नहीं। मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर की तरफ ब्रेक किया और मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ये वाला एरिया हमारा ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक भी नहीं आई तो इसी ऊपर से ही मार्केट निकल गई। फंडामेंटल की तो वैसे भी मैंने आपको कहा है कि टेक्निकल हम जितना भी कर लें, अगर फंडामेंटल कोई न्यूज़ होगी तो वो सब कुछ ब्रेक डाउन कर देगी। ठीक है, मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है, आप जाके देखें फंडामेंटल न्यूज़ क्यों ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, खैर अब देखते हैं, आज तो कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है टुडे, तो आज देख लेते हैं यूएसडी की। कोई यूएसडी की आज भी न्यूज़ है, पीपीआई इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये वैसे इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती, इतना ज़्यादा इनमें चेंजेस नहीं आता, लेकिन फिर भी जो सीपीआई है उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन कल देखें आपने उसने क्या किया है। तो 5:30 बजे तक ज़रा क्वेश्चन रहिएगा, जागते रहिएगा, ठीक है, और इसके बाद ही कुछ अपना डिसीजन लीजिएगा। बहरहाल हमारा जो क्या कहते हैं एनालिसिस है वो सिर्फ टेक्निकल बेस रहेगा, हम फंडामेंटली बात नहीं करेंगे। तो मार्केट जैसा कि हमने कहा था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो एक हायर हाई की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक चीज़ मुझसे कल मिस हो गई थी, मैंने आपको बताना भूल गया, ये वाला जो एरिया है मार्केट देखें यहाँ से कितनी शार्पली नीचे की तरफ गई थी, ये वाला एरिया एक हर्डल हो सकता है मार्केट में। ठीक है, यहाँ भी देखिए आप, देखिए मार्केट ने यहाँ भी इसको रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है, तो यहाँ पर भी यकीनन यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें इम्पैक्ट देखने को मार्केट में मिलेगा। अभी तो खैर इसमें टाइम है और यहाँ हमें एक सप्लाई भी दिख रही है, इसको आप करते हैं रिमूव। यहाँ पे H4 की जो सप्लाई है यहाँ पर आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है डॉप बेस ड्रॉप, ये इंतहाई बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, अगेन फंडामेंटली कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, हम सिर्फ टेक्निकली बात कर रहे हैं। टेक्निकली मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपको 90% चांसेस हैं कि मार्केट एक सेलिंग यहाँ पे हमें दिखा सकती है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें सेंटिमेंट की, तो सेंटिमेंट यहाँ पर बाय के हैं, सेलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा रही है मार्केट, यानी जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर गई है, अब मार्केट ज़रा नीचे भी आएगी, जो कि ऐसा लग रहा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकती है। 15 मिनट में एक जगह हम देख लेते हैं, वो है ये, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ये एरिया मौजूद है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, 1945.57, ठीक है, 1941.333, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। रैली बेस्ट रैली कंटिन्यूशन पैटर्न है, अगर आप नीचे की तरफ देखें यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप भी की हुई है, इसी प्रीवियस कैंडल की शॉर्ट टर्म में
छोटे टाइम फ्रेम में यकीनन एक छोटा सा ट्रेंड रहेगा ये। तो बाय के लिए हमारे पास एक अच्छा एरिया ये मौजूद है, ये ब्रेक होगा तो ये नीचे जो है ये ट्रैपिंग एरियाज है, ठीक है। फिलहाल मार्केट में एक अच्छा इम्बेलेंस भी मौजूद है यहाँ पर, और ऊपर ही मार्केट यहाँ यहीं से जा सकती है, ठीक है। सिंपल जो इसका टारगेट रहेगा आपका, इसका जो एसएल है वो आपने इस जगह से नीचे रखना, थोड़ा सा इसका टारगेट आप 1.3 आप इसका रख सकते हैं रेशियो में, और 4.5, 0.45, ठीक है। यानी पूरा आधा आधा परसेंटेज भी नहीं है, ठीक है, जो एसएल रहेगा, और 1.30 हमारा टीपी रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और क्या देखें, यूरो जी भी यूएसडी कल कर लेंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसका किया हुआ है, कोई खास मूवमेंट इसके अंदर एक्सपेक्टेड फिलहाल नहीं दिख रही, बल्कि नहीं आज इसी को करते हैं, ठीक है। अभी इनको मैं दोबारा रिमूव कर रहा हूँ, हम दोबारा लगा देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है, कि यहाँ पर ये एरियाज मौजूद हैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, हम जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी इसको हम दोबारा से लगा देंगे। यहाँ पर मार्केट में दो एरियाज मौजूद हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे इम्बेलेंस मौजूद है, नीचे एरिया में इम्बेलेंस मौजूद नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मार्केट ने किया हुआ है, लेकिन इसके भी नीचे मार्केट में मजीद जो लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा, ये खुद एक लिक्विडिटी कॉल है, और ये वाला जो कंटिन्यूशन पैटर्न है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। आप लोग इसके साथ भी जा सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप के साथ, लेकिन मैं फॉर द कंफर्मेशन, फॉर द क्या कहते हैं, परफेक्ट एंट्री, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री, फॉर द सेक ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी मैं इस एरिया के साथ जाऊंगा 1.2965, ठीक है, मैं यहाँ का वेट करूँगा। और एक एरिया यहाँ पे भी मौजूद है, अगर यहाँ पे जो है इस तरीके से होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, मार्केट अगर यहीं पर अंदर से आपको लिक्विडिटी स्वीप करके चेंज ऑफ करेक्टर दे देती है 15 मिनट के अंदर, इससे नीचे नहीं तो ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से कोई मामला करती है, दोबारा ऊपर क्लोजिंग देती है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर लाजमी करती है मार्केट, तो आप यहीं से अगेन एंट्री ले सकते हैं, और सेम पैटर्न इसके यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यूरो यूएसडी ही कर लेते हैं, अच्छा जी, इसको मैं कर रहा हूं अभी रिमूव, मार्केट यहां पे फिलहाल नहीं आई है, आएगी तब देखेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सेंटिमेंट है, ये फंडामेंटल की वजह से, करंट प्राइस आप देख लें, मार्केट डाउन शो कर रही है, हम देख लें किसी ये सप्लाई पे तो नहीं खड़ा, सप्लाई थोड़ी सी ऊपर है, फिलहाल मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, हायर आई मार्केट ने ओवरऑल यहाँ पे जो है ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट कभी भी नीचे की तरफ आ सकती है, डायरेक्ट H1 में जाते हैं। पंद्रह मिनट में हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मौजूद है हमारे पास गैप, लेकिन अगेन मैं, ये पैटर्न अच्छा है अगर ये इसके नीचे बनता ना, ये वाला एरिया के नीचे बनता है, यहाँ पे ये ट्रैप कर सकती है मार्केट नीचे की तरफ, लेस प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर करके इसकी तरफ आ सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है,
इन केस मार्केट अगर गिरती है तो, वरना हमारे पास फिलहाल जो है वो एक यही वाला एरिया मौजूद है, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी सेम मूव से हुआ हुआ मार्केट का, ठीक है। इन केस इसको मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो हम यहाँ की टेस्टिंग देख सकते हैं, फिर आप ये वाला एरिया मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला एरिया अगर इसके नीचे होता ना, ये बहुत प्यारा एरिया था ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट खदशा है कि यहाँ पे ट्रैप कर सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर हमारा जो क्या कहते हैं हायर हाई है उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.1147, 1.106 है, ठीक है। तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा और आपसे मुलाकात होती है अभी कुछ ही देर में, मैं दोबारा से क्रिप्टो का एनालिसिस जो है वो अपलोड करूँगा। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी इसके फ़ौरन बाद ही मैं करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।